अपराध मुक्त होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए। ये बिहार है जो हर चीज में आईएएस आईपीएस ऐसे लोग यहाँ से प्रतिभा निकले। बेरोजगारी की समस्या यहाँ काफी है, उसमें डेवलपमेंट की आवश्यकता। नया मुद्दा देख लीजिए शराब का, आपको दिखता नहीं है लेकिन बिकता सब जगह। यहाँ का लोग बाहर नहीं जाए काम करने के लिए, यहाँ से लोग पलायन नहीं करे, ऐसा बिहार होना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। ठंड बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मौसम जो है वो बहुत बदल गया है, तापमान गिर रहा है। ऐसे में इस ठंड के मौसम में अगर गर्म चाय की प्याली मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और है, और आज इसी पर हम चाय पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोगों से जानते हैं कि बिहार को कैसे देखते, बिहार कैसा होना चाहिए। बिहार सुंदर होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए। मतलब अभी स्वच्छता नहीं है? स्वच्छता नहीं है ना, आप इधर ही देख लीजिए ना, राजधानी है ये। वैसे गाँव घर में तो बहुत मोदी जी ने सफाई दे रखी है, घर घर डोर टू डोर कचरा उठाने जाता ही है। सुबह सुबह बजारा गाड़ी में वो लगा रखा लाउड स्पीकर पे बोलता है ये कचरा निकाल कचरा निकाल, वो सब पे है। गांव इलाका में बहुत साफ सफाई, शहर में ही देख रहा हूँ कचरा इधर। आपके राजधानी, आप बिहार को कैसे देखते हैं, आपके हिसाब से बिहार कैसा होना चाहिए? हमारे हिसाब से बिहार बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी बिहार में क्या कमी? कमी तो कुछ भी नहीं है, सभी कुछ ठीक ही है, लेकिन साफ़ सफाई थोड़ा बिहार में होना चाहिए। गंदगी बहुत है, गली कुची में कहीं भी कूड़ा कचरा ये सब बहुत है, और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए साफ़ सफाई को लेकर। बिहार बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। मतलब अभी बिहार बढ़िया नहीं है? प्रोग्रेस है, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है जी जी। बिहार कैसा होना चाहिए, आप बिहार को कैसे देखते हैं? अच्छा है, ठीक है, आप क्या कहें, ठीक है तो ठीक है। बिहार में कहीं आपको कोई विकास नहीं दिख रहा ऐसा कुछ? हाँ दिख रहा है विकास। आपके हिसाब से बिहार कैसा होना चाहिए? बिहार होना चाहिए, हम लोग को अच्छा लगना चाहिए, अच्छा जिसे लगता है अपना देश वैसा लगना चाहिए। एजुकेशन के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हम नहीं समझते कि कुछ हुआ है, और सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है तो उसमें कुछ है। आप बिहार को कैसे देखते हैं, आपके हिसाब से बिहार कैसा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बिहार में? बिहार में गुड गवर्नेंस की होना चाहिए, और एजुकेशन में डेवलपमेंट है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या यहाँ काफ़ी है, उसमें डेवलपमेंट की आवश्यकता। बिहार में तो अभी आपका, आप देख ही रहे बिहार एसएससी का जो पेपर जो लीक हुआ है, तो जब से ये मतलब राजद का सरकार आया हुआ है, बीजेपी का सरकार रहता है तो कम भ्रष्टाचार होता है, और इसके टाइम में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो करप्शन और ये जो भी आपका क्या बोलते हैं कि मारपीट जो भी होता है, ये सब अभी जनसंख्या उसकी ज़्यादा बढ़ी है, बीजेपी के टाइम में ये थोड़ा कम रहता है। बीजेपी के टाइम में एक ये होता है कि वैकेंसी जो भी होती है स्टूडेंट लोग के लिए वो कम निकलती है, लेकिन उसमें करप्शन नहीं होता है, लेकिन इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, और वैसा डेवलपमेंट तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हर जगह तो न्यूज़ में मैं देखता हूँ कि क्राइम का रिपोर्ट ज़्यादा ही मिल रहा है। लेकिन अभी जो हमारे डीजीपी बदले उसके बाद से तो क्राइम रेट कमा है थोड़ा, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हुआ है ना, गवर्नमेंट चेंज हुआ तो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ये बढ़ ही रहा है। आप बिहार को कैसा देखते हैं, आपके हिसाब से बिहार कैसा होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए हमारे बिहार में? बिहार में अब क्या बताएं, हम ठीक ही है, बस ठीक ही है, और कुछ खास नहीं है बिहार में? युवा के लिए कुछ नहीं है, युवा के लिए कुछ नहीं है। आपके हिसाब से बिहार कैसा होना चाहिए, बिहार को कैसा देखते हैं? बिहार को सबसे पहला नंबर कि यहाँ का जो भी युवा है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चाहे इंटर पास हो या बीए पास हो या ग्रेजुएट किया हुआ हो, उसका माता पिता पढ़ा उढ़ा करके भी अधिक कर देता है, लेकिन क्या है कि बिहार में कहीं कारखाना नहीं है, ना ही कहीं व्यवसाय है, जिसके कारण कि बिहारवासी का युवा लोग बुरा काम में भी फंस रहे हैं। और बिहार में बाकी तो जान ही रहे हैं कि बस हम इतना ही कहेंगे, आगे किस नहीं कह सकते हैं। आपके हिसाब से बिहार कैसा होना चाहिए, आप बिहार को कैसा देखते हैं? मेरे हिसाब से बिहार में, बिहार
तो बिहार अपना तो सबको जानते हैं कि कैसा है, और अभी जो वर्धमान में जो बिहार है उसके बारे में तो आपको भी पता है और लोगों को भी पता है कि बिहार कहां से कहां चला गया। ये बिहार है जो हर चीज़ में आईएएस आईपीएस ऐसे लोग यहां से प्रतिभा निकले हैं, लेकिन आज वही बिहार है कि वही युवा आज नशे के दलदल में है। कहावत है ना कि अपने यहां अभी एक नया मुद्दा देख लीजिए शराब का, आपको दिखता नहीं है लेकिन बिकता सब जगह है। तो आप समझ सकते हैं कि अपना बिहार कैसा है, आई ड्रग्स सुई गांजा। लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी तो है हमारे बिहार में, घूमने के लिए पर्यटक स्थल इतने अच्छे अच्छे। देखिए ये बात आपका हम मान लिए, लेकिन कौन पर्यटक स्थल कितना डेवलप किया आप देख लीजिए गत 10 साल से। कैसा होना चाहिए, आप बिहार को कैसा देखते हैं? मेरे हिसाब से बिहार अपराध मुक्त होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए, ताकि लोग बाहर से यहाँ आए, यहाँ उद्योग धंधा होना चाहिए, यहाँ का लोग बाहर नहीं जाए काम करने के लिए, यहाँ से लोग पलायन नहीं करे, ऐसा बिहार होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लोगों से जानने आए थे कि बिहार कैसा होना चाहिए और बिहार कैसा है, उनके हिसाब से कैसा है और कैसा होना चाहिए। तो आपने सुना कि किस प्रकार लोगों ने बताया कि बिहार नशा मुक्त होना चाहिए, कुछ लोगों के लिए बिहार अपराध मुक्त होना चाहिए, तो कुछ लोगों ने बताया कि बिहार में युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए कि लोग यहाँ से पलायन करके ना जाए, कुछ लोगों ने बताया कि बिहार में उद्योग होना चाहिए ताकि लोग बाहर जा ना सके। तो फिलहाल हम मौजूद थे पटना जंक्शन के पास, हनुमान मंदिर के पास, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।